गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, एज पर सीबीएसई सिलेबस नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। हम इसके बारे में एट्थ क्लास में भी पढ़ के आए हैं और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब आप नाइन्थ क्लास से टेंथ क्लास में जाएंगे तो यही सेम चैप्टर टेंथ क्लास में जाके रिपीट होगा, बट चैप्टर का नाम बदल दिया जाएगा। नाइन्थ क्लास में हम इसको नंबर सिस्टम के नाम से पढ़ रहे हैं, टेंथ क्लास में हम इसको रियल नंबर्स के नाम से पढ़ेंगे। तो टॉपिक्स में भी डिफरेंस है या सिर्फ नाम में ही डिफरेंस है? देखिए, बेसिस इज व्हाट यू हैव स्टडीड इन क्लास एट, और जो चीजें आप क्लास एट में पढ़कर आए हैं उससे थोड़ा सा डिटेल में हम जा रहे हैं क्लास नाइन्थ में, एंड काफी ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे क्लास टेंथ में। तो तीनों क्लासेस के अंदर जो टॉपिक है वो सेम है, सिर्फ कुछ नई चीजें ऐड की गई हैं और जो बेसिक है वो आपका सेम रहेगा। तो नाइन्थ क्लास में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, दैट इज नंबर सिस्टम, आज मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। सो दिस इज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स व्हिच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द एंटायर नाइन्थ क्लास। अगर आपको पहला चैप्टर या इसमें पढ़े जाने वाले कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए तो आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एंड इस लेक्चर के बाद अगर मान लीजिए कभी भी आपको किसी भी चीज को समझने में कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। लेक्चर के बाद में हेल्पलाइन नंबर भी आपको बताऊंगा, आप कोई भी डाउट 24 आवर्स 365 डेज क्लियर कर सकते हैं। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम ऑल्सो इन विच रेगुलर प्रैक्टिस इज बीइंग डन एंड ईच एंड एवरी टॉपिक इज कवर्ड थर्ली। सो विदाउट एनी डिले लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ, दैट इज नंबर सिस्टम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसके अंदर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। देखिए, बेसिक आइडिया से अगर बात करूं तो नाइन्थ क्लास के हर बच्चे को पता है कि इवन नंबर क्या होता है, हर बच्चे को पता है कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो वर्बली एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ऑल दोस नंबर्स व्हिच कम इन द टेबल ऑफ 2 आर कॉल्ड एज इवन नंबर्स, एंड दोस नंबर्स व्हिच डू नॉट कम इन द टेबल ऑफ 2 और व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड एज ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स के एग्जांपल 2 4 6 8, ऑड नंबर्स के एग्जांपल 3 5 7 9। अब होल नंबर भी आप सब जानते ही होंगे कि जो नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं उन नंबर्स को होल नंबर कहा जाता है, जो नंबर वन से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है, एंड देन कम्स आवर नेक्स्ट नंबर व्हिच इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। अब ये जानना जरूरी है कि प्राइम नंबर होता क्या है। देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये सोचते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो अपनी टेबल में आता है। ये बात सही है कि हाँ, वो नंबर जो अपनी टेबल में आता है, ऐसे तो हर नंबर प्राइम नहीं हो सकता क्योंकि हर नंबर अपनी टेबल में आता है, लेकिन सुनिए ध्यान से प्राइम नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बनती है। द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड ऑल्सो इट हैज मैक्सिमम 2 फैक्टर्स, इट हैज मैक्सिमम 2 फैक्टर्स चाहिए ही चाहिए, यानी मैक्सिमम 2 फैक्टर्स में 1 हैज टू बी अ इंक्लूडेड फैक्टर, यानी 1 एक फैक्टर होना चाहिए और अपना वो खुद का एक नंबर फैक्टर कहलाएगा। तो मैक्सिमम कितने फैक्टर्स बनेंगे? 2 फैक्टर्स। सच अ नंबर विल बी कॉल्ड एज प्राइम नंबर। अब इस चीज को मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर है 3 और मेरे पास एक नंबर है 1, तो 3 1 की टेबल में आता है, तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 मिला, और जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 मिला। लेकिन 1 तो सिर्फ तभी आता है जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे तो सिंगल पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन यहां पे देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। और मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वो अपनी टेबल में आना चाहिए या वन की टेबल में आना चाहिए, प्राइम नंबर का मतलब यह है कि वो अपनी टेबल में तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ वन की टेबल में भी आना चाहिए। तो वन अपनी टेबल में आता है और वन की टेबल में आता है, तो ये दोनों चीजें सेम है, ये 2 चीजें नहीं बन रही, यहां पर 2 चीजें बन रही, एक वो खुद की टेबल में, एक वन की टेबल में। सो क्राइटेरिया आर 2 क्राइटेरिया। सो प्राइम नंबर के 2 क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया खुद की टेबल, यानी खुद की टेबल में आना चाहिए, खुद की टेबल में आना
चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया है। एंड सेकंड क्राइटेरिया, वन की टेबल में आना चाहिए, यानी अगर वो खुद की टेबल में भी आ रहा है और वन की टेबल में भी आ रहा है तो उसका मतलब दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। यहां पे सिर्फ एक ही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, खुद की टेबल में आ रहा है, वो भी वन ही है, तो दोनों चीजें सेम है तो उसको हम टू क्राइटेरिया के टर्म में नहीं ले सकते। तो अगर कोई आपको आज की बात कहे दैट वन इज अ प्राइम नंबर, नो, वी एक्चुअली डोंट कॉल वन एज अ प्राइम नंबर। तो सर फिर वन को कोई तो नाम देते होंगे? यस, that we will study in our later classes. एक perfect number नाम का भी एक number होता है, उसके बारे में हम लोग बड़ी क्लास में study करेंगे। ninth class में हमारे लिए इतना जानना काफी है। आइए अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम किस प्रकार के नंबर पे ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए, आपको एक नई चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं रैशनल नंबर और एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं इरैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में क्या फर्क है वो जानने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, कोई भी नंबर जिसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। यानी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, क्या पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, वेयर बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। एंड वन मोर थिंग, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए एग्जांपल से समझते हैं चीज को। यानी हमारे पास कोई भी नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो हम जो टॉपिक अभी ले रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, दैट इज रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये इंटीजर्स क्या होते हैं। सिंपल, नंबर लाइन के बारे में हम सब ने एट स्टैंडर्ड में पढ़ा है, All the positive and negative numbers are called as integers. यानी जितने भी positive और negative numbers होते हैं, उन सभी number को हम integers कहते हैं। एक number line होती है, number line के बीचों बीच एक origin होता है। Origin के right में जाएं तो positive numbers हैं, origin के left में जाएं तो negative numbers हैं। तो right वाले numbers को हम positive integers कहते हैं, left वाले numbers को हम negative integers कहते हैं। And that number line is basically used to represent the integers as well as rational numbers. तो हम यहाँ पे सीखेंगे how to represent a rational number on a number line is one of the questions that generally comes in the examination of class 9. जब भी ये question आएगा, इसको कैसे करना है, we will study in later time period. अभी हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि rational number को अगर p upon q की form में हम express कर रहे हैं, तो sir आपने बता दिया कि P न्यूमरेटर है, Q डिनोमिनेटर है, एंड दूसरी शर्त यह है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो दोनों के दोनों, चाहे वो नेगेटिव हो दोनों के दोनों, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जी हाँ, यानी Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर मैंने एक नंबर लिखा 4 अपॉन 0, तो 4 न्यूमरेटर है यहां पे, जीरो डिनोमिनेटर है यहां पे, 4p की जगह लिखा हुआ है, 0q की जगह लिखा हुआ है, तो p है, q है, p अपॉन q है, p इंटीजर की फॉर्म में, q इंटीजर की फॉर्म में, सब कुछ तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने अभी आपको बताया कि q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर q जीरो के बराबर है तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो 4 अपॉन 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहां पे Q किसके बराबर हुआ, जीरो के बराबर हुआ, क्योंकि Q जीरो के बराबर है इसलिए हम इसे रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। सो लेट अस रिपीट वंस अगेन द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। अ रैशनल नंबर इज दैट नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर बोथ P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज दैट ओके। तो आज के इस टॉपिक में हमने रैशनल नंबर को समझा है, रैशनल नंबर के इंट्रोडक्शन को समझा है कि रैशनल नंबर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप नोटिस करेंगे कि मैं आपको ये बताऊंगा कि रैशनल नंबर के स्टडी के दौरान हम क्या क्या चीजें जानेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊंगा हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स, एंड ऑल्सो हाउ टू आइडेंटिफाई
whether any number p upon q is actually a rational number or not on the basis of its decimal form. So check out the next video for the details of this topic. Thank you, children.